हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्टे होम एंड बी सेफ। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। ठीक है, और 5 के जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच इज ग्रेटर, मतलब कौन सा नंबर बड़ा है? तो आप ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर सिर्फ डिजिट है। अगले जो नंबर है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों तरफ सिर्फ 6 डिजिट है। तो एक बार हम दोनों तरफ के नंबर लिख देंगे 5, 7, 2, 8, 4, 5। ठीक है, और बीच में मैं एक बॉक्स बना देता हूँ जिससे विच इज ग्रेटर का हम साइन लगा देंगे कि कौन सा बड़ा है। उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेटर और स्मॉल का साइन बना के शो कर देंगे। जो अगला नंबर है वो है 5, 6, 9, 7, 8, 4। तो स्टूडेंट देखिए, जब दोनों साइड में इक्वल डिजिट हो, यहाँ पे भी 6 डिजिट है, यहाँ पे भी 6 डिजिट है, अगर कहीं एक तरफ 5 डिजिट हो एक तरफ 6 हो, तो 6 वाला ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, है ना, और 5 वाला छोटा। लेकिन जब सेम डिजिट हो तो हमको एक एक डिजिट 1 by 1 चेक करनी है। ठीक है, आगे से, पीछे से नहीं, आगे से। तो जो डिजिट अगर जब डिजिट बड़ी और छोटी आ जाएगी तो उससे हम बड़ा छोटा नंबर का पता लगा लेंगे। जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 6 डिजिट है, तो पहला नंबर देखते हैं 5 डिजिट है, 5 यहाँ पे भी 5 है, बराबर इक्वल। नेक्स्ट डिजिट जो है सेकंड डिजिट, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो 7 तो 6 से बड़ा होता है ना। तो जब हमें इक्वल डिजिट मिले तो हमें एक एक नंबर चेक करना है, कॉमन आए जब तक बढ़ते जा रहे हैं आगे, और जब हमें ऐसा नंबर मिल जाए जो दोनों में डिफरेंट है, दोनों तरफ डिफरेंट है, तो जो बड़ा नंबर होगा वो साइड बड़ी। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर 7 है, सेकंड नंबर 6 है, तो इसलिए 7 बड़ा होता है, तो बड़ा वाला साइड में इस तरफ कर दूंगा, और पॉइंटेड पोर्शन मैंने आपको बताया था छोटे नंबर की तरफ होता है। तो इस तरह से हमें पता चल गया विच इज ग्रेटर, 5, 7, 2, 8, 4, 5 इज ग्रेटर देन 5, 6, 9, 7, 8, 4। तो ये जो नंबर है 5,72,845 ये इससे बड़ा है 5,69,794। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से करना था। क्वेश्चन ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप दोनों तरफ नंबर उतार दीजिए और 1 by 1 डिजिट चेक करिए। जो डिजिट आपको सेम आती है तो आप अगर आगे आगे बढ़ के अगला डिजिट चेक करेंगे और जो बड़ी होगी वो बड़ी। देखिए अगला क्वेश्चन है 5th, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम ईच सेट। अभी भी आपको वैसे ही काम करना, लेकिन यहाँ पे दो नंबर नहीं दिए, यहाँ पे एक सीरीज दी है, इसमें आपको बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा छोटा है कौन सा उससे बड़ा, कौन सा उससे बड़ा, मतलब एक तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, बड़े से छोटे क्रम में। मतलब पहले छोटा नंबर ढूंढिए, फिर उससे बड़ा ढूंढिए, फिर उससे बड़ा, और फाइनली सबसे बड़ा नंबर। इससे आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले ढूंढेंगे छोटा नंबर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 सारे चार नंबर दे रहे हैं आपको, चारों में 5-5 डिजिट्स है, और 5-5 डिजिट्स है, तो हमने अभी जो काम किया था सेम है, वैसे ही करना है, एक एक डिजिट चेक करनी है। तो सबकी फर्स्ट डिजिट देखिए आप, 2, 2, 2, 2 इक्वल है, तो पहले डिजिट से हम बता नहीं सकते कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। सेकेंड डिजिट पे चलते हैं हम, इस तरह से आप जब पहले डिजिट कॉमन आ जाए तो सेकंड डिजिट पे बढ़ना है। सेकंड डिजिट क्या है, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ पे भी 6, यानी कि चारों के जो फर्स्ट डिजिट है वो इक्वल है, तो अभी भी हमें पता नहीं चला कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा बड़ा। तो अब हम दो दो डिजिट जब सेम आ गई है तो फिर हम क्या करेंगे, थर्ड डिजिट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है 5। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो सबसे छोटा नंबर क्या दिखा आपको, 1, यानी कि ये सबसे छोटा नंबर है। तो ये आप सबसे पहले लिखोगे 26170, ये हमें सबसे छोटा नंबर मिल गया। आप चाहे तो कॉमा यूज कर सकते हो बड़े से छोटा, लेकिन अगर ग्रेटर स्मॉलेस्ट का है तो एक आप साइन यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो ये छोटा है, छोटे की तरफ हम पॉइंटेड पोर्शन कर देंगे, यानी कि अगला जो नंबर आएगा वो बड़ा होगा, इससे बड़े की तरफ खुला हुआ पोर्शन होता है, और यहां पे हम उसका इससे बड़ा नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब ये नंबर जो आपका होता जाए उसको आप टिक आउट कर लो कि ये सॉल्व हो गया, ताकि आपको आसानी रहेगी ये ध्यान रखने में कि कौन सा नंबर आप लिख चुके हो, उसको रिपीट ना हो, ये हो चुका है। अब इन तीन नंबरों में से छोटा कौन सा है, तो तीनों में से बताइए, 2, 6, 2, 6, 2, 6 कॉमन है, थर्ड डिजिट क्या है, 5, 2, 2, अच्छा 5 तो बड़ा है वैसे भी, इन नंबरों से इसको छोड़ देते हैं हम,
ये दोनों नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करिए, 2 और 2 यहां दोनों बराबर है तो कौन सा छोटा कैसे पता चलेगा, तो हम इसको भी काउंट कर लेते हैं 3 डिजिट में। ठीक है, एक बार फोर्थ डिजिट देखते हैं, फोर्थ डिजिट है 5, क्योंकि 3 3 तो सेम है डिजिट, फोर्थ डिजिट 5 है, यहां पे फोर्थ डिजिट 7 है, तो 5 7 से छोटा होता है, तो ये नंबर आपका अगला छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर 26252, यानी ये दो नंबर हमारे हो गए। अच्छा, ये तो 5 था, तो ये तो बड़े था, पहले तीसरी डिजिट इसकी, इनकी 22 थी, इसकी 5 थी, तो ये सबसे बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये अकेला बच गया है ना, इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा था, इन कंपैरिजन में ये छोटा निकल गया तो अब ये बड़ा है, तो इसका अगला नंबर ये आएगा 26275, क्योंकि यहां तो 265 है, 262 से तो बड़े होगा 5, तो यहां पे ये जो है लास्ट नंबर है आपका। इस तरह से आप राइट मार्क करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये लास्ट जो बच जाएगा उसको सबसे लास्ट में लिखना है 26523। तो इस तरह से आपने एक ऑर्डर में सेट कर दिया, छोटा नंबर फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हमें इस सेट में मिल गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको करना है काम। ठीक है, ये बात आप इरेज़ कर दीजिएगा, ये पेंसिल से टिक कर दीजिएगा कि आपने कौन कौन सा नंबर दिया है। तो इस टाइप से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5 को, और 4 के अंदर जो है पार्ट थे, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे कुछ पार्ट थे, 4 पार्ट थे, जिसमें से मैंने सेकंड चूज किया है। सेकंड क्यों चूज किया, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर जो है नंबर एकदम सेम सीरीज के नहीं थे, जिसमें मैं आपको पूरी चीज समझा सकूं, इनमें तो फर्स्ट नंबर ही कॉमन था, सेकंड नंबर से ही आपको पता चल रहा, पर इस क्वेश्चन में दो दो नंबर कॉमन थे स्टार्टिंग के, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। तो मैंने आपको फिफ्थ का सेकंड पार्ट करवाया है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ आपका होमवर्क है, जो मैंने यहाँ बताओ कर दिया है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट थर्ड और फोर्थ आपको होमवर्क में करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी का जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, अभी एक्सरसाइज से आप नई क्लास में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।